फिल्म के बारे में जिसका आज आप लोगों ने मुहूर्त किया गया, नाम से शुरू कीजिए और क्या कहानी है फिल्म की, जरा मैं चाहूँगा कि इस मामले में हमारे राइटर बैठे सच्चों को पाएंगे, वो बोल पाएंगे, तो आप जो शुरू कीजिए क्या है सर, बताइए क्या बेसिकली क्या फिल्म की कहानी है। फिल्म का टाइटल है सर आई लव माई हिंदुस्तान जी। बेसिकली ये बच्चों की मूवी है, तो इसमें मैंने ये चीज़ दिखाई है, लगभग बच्चों की मूवीज़ जो बनती हैं वो एक ही बच्चों के उपदेश के ऊपर, उसके ऊपर एक फोकस करके आमतौर पर रखा जाता है, और बच्चों का तक ही उस एजुकेशन तक के सीमित उस चीज़ को रखा जाता है जी। लेकिन ये स्क्रिप्ट मैंने जो लिखी है, मैंने कहानी पूरा थोड़ा सा इसमें कॉमर्शलाइज करके इसको लिखा है, और एक अपनी एजुकेशन की बात को बड़े एंटरटेनिंग ढंग से कहने की कोशिश की है। होता क्या है हमारे सर, हमारे हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि में बहुत सी कहानियां हैं जो नानी दादी कहानियां जो कहती हैं, और बच्चे जिनको सुनते आए हैं आज तक, और आजकल के नई पीढ़ी के लोग, साइंस के लोग ये समझते हैं कि ये जो कहानियां हैं ये सब कल्पना की बातें हैं, इनका रियलिटी से कोई संबंध नहीं होता। लेकिन मैंने इसमें कहानी में ये चीज़ दिखाई है कि जितनी भी हमारी अतीत में जो कहानियाँ बुनी गई हैं, जो कहानियाँ बच्चों को दादी नानी सब सुनाती आई हैं, वो कल्पना नहीं होती सर, उनका ज़िंदगी में एक विशेष महत्व होता है और बहुत दूर का संबंध होता है, क्योंकि उन कहानियों के पीछे हमारे पुरानी पीढ़ी का एक अनुभव जुड़े होते हैं, और एक रियलिटी के साथ उन चीज़ों का बहुत बड़ा संबंध होता है। तो यही मैंने इस कहानी में दिखाया कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ से एक परी की कहानी, परी और शैतान की कहानी सुनता है, और रियलिटी में मैंने क्या दिखाया कि वो परी और शैतान क्या है निजी ज़िंदगी में, अब परी कब्जे में है शैतान के, ये कहानियाँ सब बच्चे बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन परी कब्जे में शैतान के है, इसका सिंबॉलिकली मैंने ये चीज़ रखी है कि अच्छाई, परी जो है ना वो अच्छाई का सिंबल है, और शैतान जो है बुराई का सिंबल है, अच्छाई के कब्जे में, बुराई के कब्जे में अच्छाई, और ये बच्चा वो रियलिटी में सब वो परी और वो शैतान की कहानी उस बच्चे की जीवन में आती है, और वो ये कहानी हमारे एक रियल ज़िंदगी के साथ और आज के ज़माने के साथ, आज जो आतंकवाद का समय चल रहा है, आज जो टेंशन का माहौल चल रहा है, उसमें ये कहानी परी और शैतान की कहानी हमारे निजी जीवन में और आधुनिक जीवन में कैसे रिलेट करती है जी। और कैसे हम इसे हम एक देश के बारे में एक बहुत बड़ा मैसेज दे पाते हैं, आई लव माई हिंदुस्तान जी। पप्पू जी आप बताएं सर, स्टोरी के बारे में हमने डिटेल में समझा जी। हाँ, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है, और हमारी प्लानिंग ये है कि उसको बहुत ही अच्छे ढंग से उसको पिक्चराइज करेंगे और पब्लिक के सामने ले आएंगे। और हमारे देखा फिल्म के जो हीरो है हमारे ये है, इनका नाम है प्रिंस, सामने देखो बेटा है ना, और हम ये चाहेंगे कि मतलब कि अच्छे से अच्छे तरह से मतलब कि इसको बनाकर पब्लिक के सामने पेश करेंगे इसको, और लोग इसे लाइक करेंगे। आपके हीरो से पूछ लेते हैं, हाँ प्रिंस आप कितने साल के हो? सेवन ईयर्स के हो। कौन से स्टैंडर्ड में हो आप स्कूल में? थर्ड स्टैंडर्ड में हो। आपको फिल्में पसंद है? कौन से आर्टिस्ट की फिल्में सबसे ज्यादा पसंद है? आपका फेवरेट आर्टिस्ट एक्टर कौन है? सलमान खान। क्यों सलमान खान बहुत अच्छे लगते हैं? बॉडी अच्छी बनाई इसलिए? आप भी वैसी बॉडी बनाना चाहते हो? तो अभी आप भी फिल्मों में आ रहे हो, आप अभी आप हीरो बनने जा रहे हो, आपको बताइए अभी आप भी आपको भी लोग देखेंगे। हीरो क्या होता है बेटा? प्रिंस फिल्म का सुपरस्टार होता है। आपको सीरियल्स में कौन से पसंद है, कार्टून में कौन से पसंद है सबसे ज्यादा? जोर से बोलो। मोटू पतलू आपको बहुत पसंद है। अच्छा क्या बोलता है मोटू पतलू, कुछ बोल के सुनाओगे? याद नहीं है। और कौन से ऐसे याद हो बताइए, डालो तो याद है वो बताओ। जो सुनाना चाहते हो आपको, कोई पोएट्री याद है आपको, सॉन्ग याद है कोई? अच्छा तो कैसे फिल्म में काम, कैसे फिल्म में काम कर है अली भाई है ना, और भी कुछ स्थान थे, बहुत जुड़ेंगे आगे जाके। कब तक फिल्म शुरू होगी, कहाँ कहाँ शूट की है? ये अभी परसों हम लोग शूट कर रहे हैं मनीषा बंगलो। अच्छा फिर इसके बाद हम लोग जा रहे हैं गढ़वाल, देहरादून से ऊपर जो पहाड़ है ना, पहाड़ों पे जाके परी और बच्चे का जो कन्वर्सेशन है जंगल के अंदर, वो हम शूट करेंगे वहाँ जाके, बहुत अच्छे ढंग से करेंगे।
फिर वहाँ से आने के बाद जो इंडोर है हम लोग यही बॉम्बे में ही खत्म करेंगे इंडोर। एक्सटीरियर हम लोग करेंगे, मे बी पॉसिबल हरियाणा होगा या तो इनके जयपुर में होगा, कहीं ना एक्सटीरियर बाद में करेंगे, है ना। तो ये सब प्लानिंग करें हम लोग, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट बैच बच्चा है प्रिंस, और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं पप्पू शर्मा जी, जो काफ़ी इंडस्ट्री के पुराने हैं। और हम भी दुआ करते हैं, आप सभी लोग हैं, सारे दोस्त यहाँ जो मीडिया बंधु जो आए हुए हैं, सारे हमारे मित्रगण हैं, तो हम यही दुआ करते हैं कि आप लोग भी दुआ करिए, जो बच्चे हैं, बच्चे का भविष्य है। और एक परी की कहानी है, मैं ज़्यादा तो इसके बारे में विशेष नहीं जानकारी दे पाऊँगा, क्योंकि हीरो ये हैं। डायरेक्टर साहब से भी आप लोगों की बातचीत हो गई है, बस यही कामना करते हैं कि आप सब लोग दुआ दें कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट बने, और ये जो बच्चे हैं कल की आने वाले भविष्य हैं, इनका भी भविष्य उज्ज्वल हो। प्रोड्यूसर साहब से पूछ रहे थे, राहुल जी आप बेसिकली फिल्म बनानी है, बच्चों पर बनानी है, ये कैसे सारा ख्याल आया, कैसे शुरुआत हुई इसकी? सर बच्चों को, मेरे खुद के बच्चों को देख के लगा मेरे को कि मुझे बनानी चाहिए। और अपने पप्पू शर्मा ने मुझे शानदार स्टोरी बताई, तो मुझे लगा मेरे बच्चों को लॉन्च करता हूँ मैं। एक पिता बच्चे से बहुत प्यार करता है, एक पिता बच्चे से बहुत प्यार करता है, लेकिन आपको क्यों लगता है कि बेटा अच्छा आर्टिस्ट भी हो सकता है? सर शुरू से ही ये डांस वांस कर रहा है, काफ़ी इसमें है, ऑनर काफ़ी ऑनर है, शुरू से कर रहा है, इसको लेकर लगा मेरे को कुछ करना चाहिए इसके बारे में, हमारे सोचा कि नहीं इसमें वही बना। अच्छा जब ये डांस करता था छोटा डांस करता था, घर में लोग क्या कहते थे कि तो बड़ा स्टार बनेगा, हीरो बनेगा, क्या कहते थे? ये तो सब बोलते हैं कि स्टार बनेगा ये, मतलब कहते हैं ना कि पालने में ही जो भूत के पैर है वो पालने में ही नजर आ जाते हैं। सर जब खाना खाता है ना तो भी ऐसे ऐसे हिल रहा है, यार ये कोई इसको प्रॉब्लम है, बाद में किसी ने बताया कि डांस कर रहा है, उस बारे में सॉन्ग गा रहा, डांस कर रहा है, ये हिल रहा है, नींदों में डांस वांस कर रहा है, मुझे पता लगा कि इसमें कुछ है। अच्छा इसने करियर की तो शुरुआत कर दी, चलिए श्री गणेश आय उसका हो गया है करियर की, एक्टिंग करियर की शुरुआत तो प्रिंस के हो गई है, अब जब बड़ा होगा, जवान होगा, तब क्या चाहते हैं, एक्टिंग में कंटिन्यू करें या कुछ चाहते हैं कि पढ़ लिख के कुछ और करें? कंटिन्यू करें। वो क्या करना चाहता है प्रिंस, क्या करना चाहते हो बड़े होके? सुपरस्टार बनना चाहते हो? यस, ये कॉन्फिडेंस से कहा रहा हूँ इसने जी। तो आप जब इस फिल्म की बात हुई होगी तो पप्पू जी से कैसे आपकी मुलाकात हुई है, ये राहुल भाई कैसे मिले कि भाई अब फिल्म करनी ही है? सर हमारे जो पप्पू जी है ना, उनसे मुलाकात तो बोला अलग अलग टाइप की थी, मतलब उनको ढूंढ ढूंढ के मैं आया हूँ उनके पास, मैं काफ़ी नंबर लिया उनका, मैंने उनको बताया कि मूवी बनाते हैं, तो उन्होंने लगे ठीक है बनाते हैं, मेरे बच्चों को लेकर मैंने कहा सर ऐसा बनाओ। मैंने तो आप लोग मुंबई के नहीं हो? ना मैं सर जयपुर। अच्छा जयपुर से? जयपुर। अच्छा फिल्मों, बच्चों की फिल्में जो आपको कोई बहुत अच्छी लगी हो कि भाई ये फिल्म अच्छी लगी है, जैसे जयतंत्र ममंत्रण थी हमारी पूरी कंपनी की, या दूसरी कोई फिल्में बच्चों की जो आपको? काफ़ी सारी मूवी है, जो चिल्ड्रन पार्टी भी है अच्छी थी, जैसे चिल्ड्रन पार्टी हाँ वो भी अच्छी है, तो सबको देखे कि मेरे बच्चों को लेकर मुझे मूवी निकाल रहा है। राहुल भाई कब तक चाहते हो कि आपकी फिल्म जो है वो रिलीज हो जाए? सर मैं तो चाहता हूँ कल ही हो जाए, मैं चाहता हूँ कल ही हो जाए, लेकिन वक्त जाएगा फिल्म में। नए हो, आपने कोई फिल्म बनाई नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ, पहली बात है। बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं प्रोड्यूसर की, हमारे मित्र अखिलेश जी कहते हैं कि प्रोड्यूसर उम्र से बूढ़ा नहीं होता है, वो पैसे बांट बांट कर बूढ़ा हो जाता है, इन चीज़ों के लिए तैयार हो आप? हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है राहुल भाई जी। इनसे बताइए कि जरा फिल्म कब तक इनकी तैयार हो जाएगी, पूछिए जरा। देखिए कोशिश तो यही है कि नए प्रोड्यूसर हैं, कहते हैं कि प्रोड्यूसर जिंदा होता है तो 300 घर में चूल्हे जलते हैं, हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया है, और कहीं ना कहीं हम लोग चाहते हैं कि जो नए प्रोड्यूसर इंडस्ट्री में आते हैं वो ज़िंदा रहें, ताकि कम से कम कुछ लोगों का घर चल सके और एक अच्छी फिल्में समाज के लिए बन सके, समाज में एक अच्छा संदेश मिल सके। ये जो आने वाला जो प्रिंस है, बच्चों के लिए भविष्य है, एक परी की कहानी है इस फिल्म में, और बच्चे का भी भविष्य इनसे जुड़ा हुआ है। तो आप सभी दोस्तों से मैं यही कहना चाहूँगा कि इनको आशीर्वाद दें तहे दिल से, और ये फिल्म बन के बहुत जल्द जनता के बीच में आए, रिलीज हो और सुपर डुपर हिट हो। थैंक यू। ज़रा बताएं बेसिकली क्या किरदार है आपका इस फिल्म में? जैसा मुझे पप्पू जी ने बताया, डायरेक्टर साहब ने, पप्पू जी जो हैं डायरेक्टर साहब, उनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूँ, और प्रोड्यूसर नए हैं, कोई बात नहीं सर, हर फिल्म लाइन में सर आप भी बहुत पुराने हैं, आप लोग सब, मैं भी नया था सर आज से 25 साल पहले, और बहुत सारे लोग नए होते हैं, और ये हमारी ये लाइन है जो नए लोगों को अडॉप्ट कर लेती है, बहुत अच्छी बात है कि सर नए लोग आते हैं और इतना जज्बा, इतनी हिम्मत लेकर आते हैं कि फिल्म बनाए, तो मैं उनके जज्बे की कद्र करता हूँ, और नए लोगों को आने चाहिए, नई सोच लेकर आते हैं, नई चीज़ लेकर आते हैं,
तो उनका पहली बात तो स्वागत करना चाहिए सर हम सबको कि नए आए हैं और फिल्म लाइन के लिए बारे में ना बम्बई के बाहर बहुत लोगों को बहुत डराते हैं तो वो डर से कि इनके लिए तो वो लाइन है कि डर के आगे जीत है तो ये मुंबई आए हैं और इस फिल्म में मैं पप्पू जी के साथ में पहले भी काम कर चुका हूँ, मैं दो फिल्में पप्पू जी के साथ कर चुका हूँ, ये तीसरी फिल्म है पंजाबी फिल्म की है मैंने पप्पू जी के साथ। आई लव माई हिंदुस्तान एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो देशभक्ति की फिल्म है, देशभक्ति की फिल्म है। अब वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देशभक्ति की फिल्म है वो आप देखना, और मेरा डेफिनेटली इसमें एक किरदार है, जहाँ पे देशभक्ति की बात होती है वहाँ पे टेररिज्म और उसकी बात आई जाती है, तो मेरी वेशभूषा देखकर आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन मैं इसमें मैंने सर मैं जब जय श्री कृष्ण कर रहा था तो मैंने कंस का कैरेक्टर किया था। आई लव हिंदुस्तान में डेफिनेटली मैं एक आतंकवादी का है जो एक मेन आप कह लीजिए प्रोटोगनिस्ट तो नहीं है एक एंटोगनिस्ट का कैरेक्टर है सर। मैं वो राजकुमार जी बेसिकली आपकी जो इमेज है पर्दे वाली वो एक क्रूर इंसान की है। हाँ जी एक क्रूर इंसान की, और ये फिल्म बच्चों की है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री के किस्से हिंदुस्तान में लोगों को दूसरे शहरों में डराते होंगे मानता हूँ, लेकिन आप तो पूरी दुनिया में डराते हैं सर, बच्चों के साथ काम करना आपके लिए भी चैलेंज होगा। नहीं सर एक्चुअली क्या है मैं ना थोड़ा सा फॉर्चुनेट हूँ इस मामले में जी सर, मेरा मतलब मैं तो बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक बड़ा जो नाम जो हुआ जय हनुमान सीरियल से हुआ था, उसमें भी ना पहले बच्चा हनुमान था और मैं शिव का रोल कर रहा था, तो उसके साथ मेरा तकरीबन 6 साल चला, 6 महीने क्या बात, मैंने हनुमान जी का रोल किया था, आगे चल के बड़ा हनुमान मैं था, लेकिन बच्चे हनुमान के साथ और शिव जी के साथ जी। बच्चे हनुमान का 6 महीना उस वक्त हफ्ते में एक एपिसोड आता था, वीकली आता था जी। तो 6 महीने वो चला, उसके बाद सर जय श्री कृष्ण वो बच्ची थी 2.5 साल की, उसके साथ मैंने 2 साल काम किया, क्या बात। तो मेरा शुरू से ना काफी कुछ बच्चों के साथ ऑन स्क्रीन में बच्चों को डराता हूँ, लेकिन बच्चे मुझसे प्यार करते हैं, बच्चे मुझसे प्यार करते हैं। राजप्रेमी जी एक सवाल है, हाँ जी, बहुत सालों से आप इंडस्ट्री में हैं, बहुत सारे अपने काम किए हैं और ये चर्चित चेहरा है, नए जो दर्शक हैं नई फिल्में नया कोई प्रोग्राम ऐसा जो दर्शकों को देखने के लिए मिलेगा कौन सी? सर देखिए एक तो ना मेरी इमेज जैसी है, मुझे जितने लोग जानते हैं सर, सबसे बड़ी बात है कि मेरी इमेज ये है कि मैं सच बोलता हूँ। अभी मेरा एक शो जस्ट खत्म हुआ है, काल भैरव रहस्य स्टार भारत, जस्ट 2-3 शो की और बातचीत चल रही है, वो कौन सा शो ऑन एयर होगा और कब होगा, क्योंकि मैं अभी इधर के बाद से भी एक लुक टेस्ट के लिए जा रहा हूँ, मेरी 5 बजे एक लुक टेस्ट है, मैं उस लुक टेस्ट के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि ये टीवी में क्या होता है बहुत सारे स्टेप चढ़ने पड़ते हैं, एक लुक टेस्ट होता है, फिर वो क्रिएटिव फाइनल करते हैं, फिर वो चैनल फाइनल करते हैं, फिर फाइनेंशियल हर्डल्स आती है, उसके बाद फिर आप उस चैनल तक पहुंचते हो। तो अभी से कोई बात करना, 2-3 मेरे लुक टेस्ट चल रहे हैं, लेकिन मैं प्ले कर रहा हूं जो अभी चल रहा है, जिसके शोज चल रहे हैं, सुधीर पांडे जी हैं उसमें, वेलकम जिंदगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग आके देखिए, बहुत अच्छा प्ले है वो जो मैं अभी कर रहा हूँ, मेरा पिछले हफ्ते भी शो हुआ था, अगले महीने भी शोज है काफ़ी, और फिल्में एक दो फिल्मों की बातचीत चले, ये फिल्म कर रहा हूँ, 2 और फिल्में हैं जो बड़ी फिल्म है तो वो कर रहा हूँ, भोजपुरी फिल्में भी कर रहा हूँ। तो अभी एट प्रेजेंट कौन सी आने वाली है कब आने वाली है ये मैं नहीं बता सकता, बट बहुत जल्दी आप मुझे बहुत ज़्यादा टाइम तक आप मुझे पर्दे से बाहर नहीं देख पाएंगे, मैं आ जाता हूँ आप लोगों को चैन नहीं लेने दूंगा। सर ये भगवा गमछा कंधे पर है, बीजेपी ज्वाइन करते हैं? सर बीजेपी तो पूरे हिंदुस्तान को ज्वाइन करना चाहिए। क्या बात, क्यों सर, ऐसा क्यों लगता है? सर देखिए क्या है, मैं है ना किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन मैं विचारों का हूँ सर, और वैसे भी सर मैंने हनुमान जी का रोल किया है, और आजकल यूपी में हनुमान जी बहुत चर्चित है, किसी को अली चाहिए किसी को बजरंग, देखिए क्या है सर, हम है ना इस वक्त इस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल मंच पे है नहीं सबसे बड़ी बात, एग्जैक्टली, और कोई किसी के कहने से चोर नहीं हो सकता, वो हो सकता है, और कोई किसी के कहने से साहूकार नहीं हो सकता सर, अपने अपने कर्म होते हैं सर, अपने जमीर सबको देखने पड़ेगी, अपनी आत्मा से आवाज़ आती है कौन चोर और कौन साहूकार है सर, और हम पॉलिटिकल मंच पर है नहीं तो सर पॉलिटिकल बात ना करें तो ज़्यादा। दुनिया की बात करता हूँ, आपके दो दोस्त या 3 दोस्त, मनोज जी भी आपके दोस्त हैं, निरहुआ रवि किशोर और मनोज तिवारी,
ये कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन लोकसभा में, राष्ट्र में जो शुभकामनाएं देना चाहते हैं या खुद प्रचार करने जाएंगे? मैंने निरहुआ और रवि किशन को पर्सनली मैसेज करके शुभकामनाएं दी हैं, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने वो बीजेपी से बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और मैंने उनसे कहा है कि मेरी जब भी ज़रूरत हो मैं जस्ट एक फ़ोन कॉल अवे हूँ, आप मुझे बुलाइए, मैं आपके लिए आऊँगा और जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपका काम करने की कोशिश करूँगा। वैसे भी हनुमान जी वैसे ही भक्त आदमी है, सेवादार आदमी है, तो सेवा करना चाहूँगा, और वो लोग भी ना अच्छे विचारधारा के साथ हैं, इस वजह से मैं उनके साथ हूँ, जो अच्छी विचारधारा के साथ है मैं उनके साथ रहूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, विस्तृत जानकारी हमें नहीं मिली है। पप्पू शर्मा जी के साथ एक मूवी हम कर चुके हैं, शिव पवित्र गंगा जल, जो कि कुछ हिस्सा शेष रह गया है, और ऐसा आशा करते हैं कि इस मन के अंत तक हो सकता है कि स्टार्ट कर दें, वो लोग इसकी तैयारी चल रही है। और पप्पू सर जी बता रहे हैं कि एक बेहतरीन कैरेक्टर हमारे लिए इस फिल्म में चुने हुए हैं, और हम हृदय से जो है आभार व्यक्त करते हैं उनका, ये ऐसा सुभाव सर हमें प्रदान कर रहे हैं, इनके साथ काम कर चुके हैं, इनके साथ काम करने का जो अनुभव रहा बड़ा ही सुखद रहा, और इनके मन की इच्छा है कि इनके निर्देशन में हम हमेशा काम करते रहें और इनके साथ ही व्यस्त रहें। बाहर के उससे बहुत सारे सीरियल कर रहे हैं, और ABSRTC से मेरा अपना चैनल है जिससे कि हम अपने द्वारा गाए गए गीत भजन और छोटी छोटी फिल्में भी बना के डाल रहे हैं। और सर भजन सुनना चाहेंगे आपसे, सबसे पहले इस फिल्म के बारे में बोलूँगी कि आई लव हिंदुस्तान, इस फिल्म से मैं जुड़ी हूँ, एंड सेकंड चीज पे मैं जो मेरे डायरेक्टर हैं उनसे मैं कुछ दिन पहले ही मिली थी, तो उन्होंने एक छोटा सा ब्रीफ दिया था मुझे इस फिल्म के बारे में। ये स्टोरी एक इंडिया के ऊपर ही है, जैसा टाइटल है, और मेन लीड जो मेरे हीरो हैं इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इस फिल्म की मैं एक पार्ट हूँ, एज अ हीरोइन मैं काम कर रही हूँ। और अभी ये फिल्म स्टोरी बहुत अच्छी है, और आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। कोई तैयारी कर रही है अभी? तो नहीं, क्योंकि मुझे जो मेरा कैरेक्टर है वो नरेट होगा, तो फिर मैं उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दूँगी। कोई और प्रोजेक्ट्स है जिस पर काम कर रही है? हाँ, आगे भी है मेरे प्रोजेक्ट जो अभी होने वाला है स्टार्ट, पहले ये होगा उसके बाद फिर वो सब स्टार्ट होने वाला है। ये इतना क्यूट है और मैं इसे एक्चुअली फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, तो इससे ज़्यादा अभी कनेक्ट नहीं हो पाई हूँ, तो ये शायद शाय है, बट ही इज वेरी क्यूट। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुष्मिता यशपाल उपाध्याय। जी, आप गाना रिकॉर्ड कर रहे थे, किस मूड का गाना था ये? एक सैड और एकदम सूदिंग सॉन्ग है, तो और सूफियान सॉन्ग है वो, उसी की कल रिकॉर्डिंग हुई है तो आज फाइनल रिकॉर्डिंग है। अच्छा, ये पहली बार आपने गाना रिकॉर्ड किया फिल्म के लिए या इससे पहले भी आपने किया था? इससे पहले नॉर्मली मैंने ऐसे ही किया था डमी, आज फाइनल रिकॉर्डिंग है। तो कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस था, मजा आया? बहुत ही प्यारा गाना है और बहुत मज़ा आ रहा है गाने के लिए। दर्शक आपकी आवाज़ को सुनना चाहता है, आप जितने खूबसूरत। और मैंने रिसेंटली सैफ अली खान के साथ वेब सीरीज़ की है, अभी मैं काफ़ी मूवीज़ भी साइन कर रही हूँ, जैसे विद अभय देओल एंड आल्सो विद अमिताभ बच्चन। अरे वाह, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया, एक छोटा सा बच्चा आपके साथ इस फिल्म में नजर आएगा, क्या कहती हैं आप? मैं यहाँ पे हूँ टू मीट माई फ्रेंड द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी, राहुल। यस, और मुझे लगता है ये बच्चे का जो पार्ट है फिल्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जो है दे आर द फ्यूचर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, तो फ्यूचर जो नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर है वो कैसे सोच रहे हैं, वो कैसे मूवीज़ में आ रहे हैं और कैसे मूवीज़ को देख के वो सीख रहे हैं, वो लोग सब समझते हैं कि हीरो कौन है और विलन कौन है। yes. तो हीरो, हाँ, अच्छाई और बुराई है, तो हीरो जो है डायरेक्टर्स बनाते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स बनाते हैं, तो हीरो का जो वो जो उम्मीद है वो बच्चों से है, तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ इस फिल्म के लिए। थैंक यू।